सभी भाइयों को रमेश अजवाणा की तरफ से नमस्कार। जितने भाई वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पास में लगा घंटी का बटन दबा लें ताकि आप जो भी वीडियो डाला उसका नोटिफिकेशन सभी भाइयों ने मिलता रहे। और आज का जो आपने वीडियो कवर किया है गांव गाजुवाला और जिला भाई का फतियाबाद है और काफी भाई भाई को जानते हैं, काफी वीडियो अपने इस फार्म से आ चुकी हैं और काफी बढ़िया काम करने वाला और हरियाणा में तो सभी भाइयों को पता है अच्छा ही पशुधन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और ट्रेंडिंग में है भाई। परली साइड में जो जोटी खड़ी देखें बाखड़ी तो काफी बढ़िया, जितना ही पशु आज फार्म के ऊपर बढ़िया है। भाई ने जो साइड लगाई थोड़ी सी देखे क्योंकि ज्यादातर तो थोड़ा सा गर्मी के अंदर यूज होगी है तो काफी बढ़िया भाई ने बनवाई है, काफी बढ़िया व्यवस्था भाई ने की। और आज इस वीडियो में तीन पशु आप देखोगे, गायें भी आज आपको बहुत ही बढ़िया वीडियो के अंदर दिखाऊंगा क्योंकि काफी भाइयों की डिमांड रहती है अगर कोई देसी गाय प्योर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। और बाखड़ी की भी और एक ताजी है जो सामने जो टिखड़ी है और पूरी बात आप भाई से ही लेंगे बात करांगे। जो सामने लाइक और शेयर का बटन है वो दबा दें। राम राम भाई साहब। राम राम रमेश भाई। इस साइड में आ जाओ भाई साहब। राम राम भाई। राम राम भाई, आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। ठीक है भाई साहब, वो ठीक ठाक है। हाँ बढ़िया भाई रमेश। और काम कुम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है रमेश भाई। जो अपन पहला तो साइड लगाई है यार। हाँ भाई। किस हिसाब से लगाई भाई साइड रमेश? पशुओं ने पेट पौधे कम है इस करके ने फिर अपने छाव की जरूरत थी और आप दो ही टाइम राशन डालना पशुओं ने सुबह और रात को। रात को तो फिर दिन में अपने सर्द मिस्त्र बैठी रहो, ठंडा रहो है, टाटी वगैरह डाल के मैट वगैरह डाल के ठीक है, टीन वगैरह लगावा वो तपे भी जावा है, बारिश में भी तंग आवाज करे जावा है, इस करके अपने नेचुरल सा बनाया है। अपन जो या बांस की मैं लगाई है, बांस की टाटी अंदर है ऊपर पराली वगैरह डाल के और ऊपर फिर इसका पौलिया छोड़ा पन्ना उसके ऊपर फिर मैट है ताकि नीचे बारिश का पानी ना जाए ना। ठीक है बात, यानी कि ठंड रहेगी इसमें, ठंड रहेगी इसमें, नेचुरल सा वातावरण, पेड़ पौधे ना काम हो गया इसमें। नहीं बहुत बढ़िया भाई साहब। तो अपनी पहले नंबर पे जो टी भाई साहब इसकी डिटेल दे दें यार। मेरे से दो दांत है। दो दांत भाई साहब। आज यह छह दिन की ब्याई है, 8 किलो से प्लस है, इसमें दूध तैयार है। तैयार है इसकी 1 किलो 700 ग्राम की अगाड़ी है। खोल एक बार तो जाने दे, लंबा साइड में लेके जाएं तो देखें भाई पहले ब्यात की नीचे से जो बन के आई वो आप देखें। कै दिन की ब्याई बताया भाई? छठा दिन की रमेश भाई। छठा दिन की ब्याई है तो देखें काफी बढ़िया अमीर जोटी से रही, काफी बढ़िया बनने लग रही है। बच्चा जो आप देखें कटड़ी है, कटड़ा कटड़ा भाई, नीचे कटड़ा तो कोई टिक्का का भाई साहब? ना भाई, अपने तो मोल की है ना, इसका बेरा क्या की है और ना उसका बेरा, टिक्का की है कि जोटा की कुकर के है। ठीक है बात, तो चुवाई चुई भाई साहब? चुवाई रमेश एक तो अरे रोहतक पास, उस तो ऊपर जो भाभी है। ठीक है बात, तला की हजारे में सम को एक मैस पाओगी ना। ठीक है बात, तो मोहन भाई कुछ भाई यही पूछे हैं भाई, तला की अच्छी होनी चाहिए, तला की सुपरफास्ट है, बच्चा दार काटो या लगाई सर? मैंने कहा मेरे बच्चा छोटे के नहीं गए जो जमाने फली है ना। ठीक है बात, तो देखें भाई तो बाबादी तो नहीं कुछ भाई? बाबादी है रमेश, खर के जो टीके तो बा आना भी जरूरी है, आना भी जरूरी है, उस बिना फिर बनके भी नहीं आती, उसी से आपसे खुलेगी वो। हाँ उसी से आप देखो जितने बाद दिया अंदर, अच्छा बा वो है को नहीं कि एक साइड रुक गया, बा जो गरीब सुंदी में आ जाएगा फिर थाना में आ जाए, साइड में जल्दा रहे ना। ठीक, नरम बा है, कोई बैठ नहीं है ना। ना ना ठीक है बात, साफ सुथरी है ले। हाँ साफ सुथरी है। ठीक है बात, तो भाई का भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है भाई, सभी भाई इसको जानते हैं, ऐसा नहीं है। तो अपन मोहन भाई कितना मैं देनी है जो टिरमेश है वो तो जो कि मैं करा ले, आज 1,25,000 रुपए की देनी है। 1,25,000 की रोटी देनी है। हाँ, क्योंकि फिर बाद में दूध रोटी 14 किलो देवेगी रमेश जो फिर आज दूध 9 किलो किलो पाना चाहिए ना। ना ना ठीक है, दूध दूध नहीं बोलनी चाहिए, आपने दिखा है। इतना दूध की उम्मीद रहेगी पहले ब्यात में इसकी? पहले ब्यात में इसका 14 किलो दूध अगर मेरे पास रही तो आपके चैनल में लाइव भी चलवा दूंगा। ठीक है बात, तो बहुत बढ़िया भाई ने जो डिटेल दी है भाई। देखो एक बात भाई ने की 14 किलो दूध आराम से दे दे, कोई 20-25 वाली बात नहीं करी। पहले ब्यात में रोटी 14-15 किलो ठंडी देखे, इतनी ठंडी है और अडर पर नशे वगैरह उभर के आने लग रही है, जितनी आने लग रही है। ठीक है बात, अच्छा थनों का जो स्पेस और गैप जो कंपटीशन के थन सीधे रखा करे। नहीं ठीक है बात, ये उसके और भी जमा गजब के थन बना, बढ़िया बन जाएगी। ठीक है बात, तो टेल तो सिर्फ 2 इंच है। ठीक है बात, खैर की जोटी तो मेरे ख्याल में कितने 40 दिन लग गया है, जिस दिन या 40 दिन की ब्याई हो जाएगी उसमें मैं तो 14 को हूँ। हाँ ठीक है, दूध तो मेरा खल तो भी कर दे, क्योंकि आज 6 दिन की खैर की जोटी तो 2-3 किलो का खल दिया हुआ है ना। ठीक है बात, या 6 किलो का खल दिया होगी ना 2 दिन में, फिर 8 किलो तो प्लस 9 किलो दूध है, मैं तो 8 कहूंगा। ना 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 ठीक है बात, बहुत बढ़िया भाई साहब, कमें बताना चाहिए थोड़ा बहुत। तो बांधे अगर 1,25,000 में
2x14 किलो दूध की रोटी उम्मीद रखने के लले भाई ने बताया। अच्छा, जैसे मिल जाए तो बहुत दो दांत है रमेश, मुंह की ठंडी और दो दांत भाई बिल्कुल क्लियर है, बंद है भाई। अच्छा जिस शहर से रमेश जो चरे पर है ठंडी है, इसका जो स्वभाव है ठीक है बात, घर लाइक मतलब बहुत अच्छी जो ना ना ठीक है बात। और घरेलू भाई तो बहुत बढ़िया राजी हो करके व्यातंगिन लेके बद्दा दिन हुआ है पूंजी टाइम की हुआ है बढ़ना डंग रोज ठीक है बात। दो नंबर पे आजा अपनी बकरी लो आजा। ये भाई इसकी कौन सा व्यात्मा है यार, में उसे चार दांत खरकी भी आगी थी, चार दांत खरकी भी आगी थी यार। हाँ, ये भी 3 महीने की प्रेग्नेंट है, आज ओयली 11 कितना दूध दिया भाई ने मतलब। इसने अरे मेरे सुन तो पहले इसका शरीर देखे और करो 18 कह दे वो भी थोड़ा है। हाँ ठीक है बात, 15-15.5 किलो दूध अपने दिया, 15-15.5 किलो किलो तोल में दिया है ना कि अपना लीटर का कोई बंदा आया। दो इसका बच्चा इसका कटड़ा था वो सेल कर दिया, देव धनु टेम है 3 महीने की अपने 8 महीने की। और देखे भाई बहुत ही खूबसूरत, थोड़ा सा खोल कर दिखा थोड़ा सा चला दे आगे लेके चार, क्योंकि पूरे संतुष्टि करा के ही सारे पशु। 5 फुट हाइट रमेश इसकी, 5 फुट 2 इंच 2 इंच की हाइट भाई, 5 फुट 2 इंच की हाइट, 3 महीने की प्रेग्नेंट, 3 महीने की प्रेग्नेंट। देखे मौके पे दूध कितना, मौके पर रमेश इसके 8 किलो दूध है, 8 किलो दूध है ठीक है बात। तो 8 किलो दूध है जो कटड़ा था भाई ने वो सेल कर दिया, ले आए इसी तरफ फिट पुट है काफी शानदार भाई। बना बुना कैसी भाई मौके के ऊपर बना रमेश, मौके पे 15 किलो दूध में बहुत सूत्री बना है, तला ही बहुत साफ है ठीक है। आप सेल कराएंगे मन भाई ना रमेश, इसका तो एक बार न्यू है महीना 1.5 महीना में ड्राई करके ना जब बच्चा बेचा है। अच्छा, एक बार 12 महीना में कंपटीशन लड़ने की जी में, कंपटीशन लड़ने की जी में भाई। देखो थोड़ा सा ड्राई का कंपटीशन बेहतर, सेल तो भाई करदा नहीं वैसे, अपन दिखाया भी दई रोटी तो कंपटीशन के लायक है भाई, क्योंकि 5 बोगिया है छठे दान भी तोड़े है ठीक है बात। तो तैयारी करा गए हाँ, इसकी 2 महीने में ड्राई करके ना बच्चा बुच्चा बेच के मैं दूर हो जाएगा, ड्राई कर देंगे ना ठीक है बात, फिर तैयार हो जाएगी। तो अपनी गाय भाई साहब, गाय रमेश 4 दांत थी, 15+ दूध कर दिया था अपने, 15+ दूध कर दिया। 5 महीने की भी आई है, 10 किलो दूध है ठीक है, नीचे बच्ची है 3 महीने की प्रेग्नेंट है, 3 महीने की प्रेग्नेंट, 9 तारीख ने 3 महीने की नहीं ठीक है बात। तो देखें भाई काफी बढ़िया गौ माता, और हर वीडियो में कहता हूँ फार्म के ऊपर जिस भाई ने अच्छी गौ माता रखी है तो उसमें बरकत भी होती रहे और बढ़िया। रमेश एक और भ्रम फैला रखा है, देसी गाय तेज बहुत हो है, मैंने इस ठंडी गाय को देसी पाई भी ना ना ठीक है बात। तो देखें भाई तो बिल्कुल ठंडी है, थोड़ा सा मेरा करके ऊपर अपन जरूर करे भाई के साथ, क्यों वैसे ही दिखने लग रही है तो काफी बढ़िया। और रखे भी करो भाई, एक गाय तो हर घर में जरूर चाहिए, आप रोटी भी दे दें सुबह उठ के, और हिंदू धर्म का तो ये कर्म जरूरी है। इस कर्म से इस पर फसल आया था अपने जुगर, मेरे खुद के कमर में दर्द रहा करता। हाँ ठीक है भाई, मैं लगातार इसका दूध पीने लग रहा हूँ, मैं 1.5-2 महीने से मैंने किसी डॉक्टर के अलावा जाने की जरूरत नहीं है। ये देखें भाई रिजल्ट सभी भाइयों के सामने है, और कुछ भाई और भी कहते हैं भाई जिसका कुछ भी बीमारी है तकलीफ है तो अपना घर में गौ माता, जिसका एलर्जी हो छींके वगैरह आंधी हो गाय का घी नाश में डाल लियो, डेली रूटीन में डालना पड़ेगा वो एलर्जी, अपने 3 महीने था जिसमें एलर्जी ठीक है। ठीक है बात, तो बहुत से बीमारियां ने काटा भाई साहब। हाँ भाई, गाय का दूध है जो, और गाय का मूत्र है जो, वो भी कायम अपनी दवाइयां में भी आप दवाइयां में यूज करो, ऑर्गेनिक दवाई में खेती कर ले और कर ले उसमें सारा यूज आवे। ना ना ठीक है बात, गाय तो फिर आप सेल नहीं कर दे ना, गाय तो फिर अपना खुद दूध भी नहीं ले। ना ना ठीक है बात, और एक बार कमेंट जरूर करें इस भाई की जोटी आपने कैसी लगी भाई, आशा करूंगा सभी भाइयों को वीडियो पसंद आएगी, जितने भाई वीडियो देख रहे धन्यवाद सभी भाइयों को।